व्यूअर्स कैसे हैं, सब ठीक है, उम्मीद है सब कैरियर से होंगे। एक कारपेंटर था, वो 35 साल से एक ठेकेदार के साथ काम कर रहा था। 35 साल उसने काम किया, बच्चों के भी बच्चे हो गए, पोतों पोतियों वाला हो गया। अब उसे लगा कि मुझे छुट्टी करनी चाहिए और बाकी की जो ज़िंदगी है वो अपने पोतों पोतियों के साथ गुजारनी चाहिए। उसने अपने ठेकेदार से कहा कि अब मुझे छुट्टी चाहिए, मैं मज़ीद और काम नहीं कर सकता, ताकि मैं अपनी बाकी की जो ज़िंदगी है वो अपने बच्चों के साथ गुजार सकूँ। तो आपको पता, बॉस बॉस होता है, वो जाते टाइम जितना काम निकलवा लिया जाए उतना थोड़ा है। तो उसके बॉस ने कहा, ठीक है जी, एक मकान है वो तैयार करना तूने, जिस दिन वो मकान तैयार हो गया उस दिन तुझे छुट्टी दे दूँगा। बॉस ने कहा, जी एक आखिरी मकान है वो तैयार करो और उसके बाद तुझे छुट्टी दे देंगे। अब कारपेंटर ने मकान तैयार करना शुरू कर दिया, लेकिन दिल उसका पोतों पोतियों में जा चुका था। उसने सोचा, 35 साल में बड़े अच्छे अच्छे घर बनाए, ये आखिरी मकान अच्छा ना भी बना जिसमें कोई इशू वाली बात नहीं, कोई मसला नहीं है। उसने 35 साल से जो मेहनत की थी आखिरी मकान पे, उसने वो उतनी मेहनत नहीं की। उसने 3 महीनों वाला काम 1.5 से 2 महीने के अंदर करके मकान को गलत मलत तैयार किया, और गलत मलत तैयार करने के बाद उसने चाबियाँ ली, जाके अपने ठेकेदार को पकड़ाई, ये चाबियाँ पकड़ो और आपका मकान तैयार हो चुका है, मुझे छुट्टी चाहिए। जैसे उसने ये बात की तो ठेकेदार ने चाबियाँ वापस कारपेंटर को पकड़ा दी। ये चाबियाँ आप रखो, उसने कहा, मुझे क्यों दे रहे हो? कहते, ये जो मकान तूने बनाया ना, ये असल में मैंने तेरे लिए बनवाया था। तूने 35 साल मेरे साथ काम किया तो मैंने सोचा क्यों ना तुझे जाते टाइम कोई अच्छी चीज़ गिफ्ट करूँ। फिर मेरे माइंड में आया, क्या गिफ्ट करूँ? तो बहुत कुछ सोचने के बाद मेरे जहन में ये बात आई कि क्यों ना तेरे हाथ का बना हुआ मकान तुझे गिफ्ट किया जाए। तो ये मकान मैंने तेरे लिए बनवाया था, अब इसमें जा रहे और बाकी की ज़िंदगी जी और मुझे दुआएं देता रहे। जब ये सुनता है तो कहता है, काश मुझे कोई बता देता ये घर मेरा है, ऐसा घर बनाता कि 35 साल के अरसे में मैं ऐसा घर नहीं बना होता। काश कोई बता देता ये घर मेरा है। इसलिए माजरत के साथ, जब भी आपको अल्लाह को काम दे तो उसकी पूरी ईमानदारी और पूरी ज़िम्मेदारी के साथ उसको निभाया करो। अल्लाह पाक आपको उससे बड़ी ज़िम्मेदारी दे देता है। जब आप उसको पूरी ईमानदारी से निभाते हैं तो अल्लाह पाक उससे बड़ी ज़िम्मेदारी देते हैं। तो ईमानदारी के साथ काम कीजिएगा, अल्लाह पाक रिज़्क में, उम्र में, इज़्ज़त में, सब में बरकत डालेगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।